मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4th की वर्कशीट तैयार करेंगे, जो कि यह हमारा चैप्टर अति लोभो न कर्तव्य इस पार्ट का बचा हुआ पार्ट है। तो हम बची हुई एक्सरसाइज 4th और 5th है, इसकी वर्कशीट तैयार करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4th है, अधोलिखित शब्दानाम मूल धातु वचनम पुरुषम लकारम च लिखत। नीचे लिखे शब्दों के मूल धातु वचन पुरुष और लकार लिखिए। अब जो शब्द दिए हुए हैं, इसमें से हमें उसकी धातु पहचानना है, वचन पहचानना है, पुरुष पहचानना है और लकार पहचानना है। इस प्रकार से उनको पहचान करके हमें मूल धातु के नीचे मूल धातु, वचन के इसमें वचन और पुरुष वाले ब्लॉक में पुरुष और लकार में लकार का उल्लेख करना है। तो पहला शब्द है हमारा आभवन। तो इसमें धातु है भू और आभवन जो है यह बहुवचन का रूप है। पुरुष है इसमें प्रथम पुरुष और लकार है लंग लकार। आयच्छत धातु है इसमें यच्छ, लकार है इसमें वचन है इसमें एकवचन, पुरुष प्रथम पुरुष और लंग लकार। आनय नी धातु एकवचन मध्यम पुरुष लोट लकार। कुरु क्री धातु एकवचन मध्यम पुरुष लोट लकार। आवदत वद धातु एकवचन प्रथम पुरुष लंग लकार। आवदत वद धातु एकवचन प्रथम पुरुष लंग लकार। इच्छति इच्छ धातु एकवचन प्रथम पुरुष लट लकार। कथयत कथ धातु बहुवचन मध्यम पुरुष लोट लकार। इस प्रकार से हमने शब्द को देख करके धातु वचन पुरुष और लकार को पूरा किया है। अब है हमारी एक्सरसाइज नंबर 5th, संस्कृत भाषा या अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। जो हमें वाक्य हिंदी के दिए हुए हैं, इन वाक्यों को हमें संस्कृत में बनाना है। हमारा पहला वाक्य है क वाला, उसने राजा को वर दिया। तो ये उसने जो शब्द है, ये प्रथम पुरुष का शब्द है, उसको हम वह कह सकते हैं या उसने कह सकते हैं। तो यह वह के लिए जिस प्रकार से सह बनता है, तो वैसे ही उसने के लिए सह का प्रयोग किया जाता है। तो सह राजा को द्वितीय विभक्ति का है, राज्यम वरम अददत, उसने राजा को वर दिया। वह बाग से फूल लाया। अब देखिए यहाँ पर वह का प्रयोग भी हमने हिंदी में सह संस्कृत में सह किया और उसने का भी प्रयोग सह किया, यानी वह या उसने का अर्थ एक ही होता है, यानी वह या उसने के लिए हम सह का प्रयोग करते हैं। उद्यानात बगीचे से पुष्पाणि आनयत, कि वह बगीचे से फूल लाया, सह उद्यानात पुष्पाणि आनयत। तुम जल्दी पानी लाओ, त्वम शीघ्रम जलम आनय। घ हम दोनों काम करें, आवाम कार्यम करवाओ। ग पिता पुत्र को फल देता है। जहाँ पर भी यक्ष धातु या दा धातु आती है और धातु हमें ये दी हुई है, देता है के लिए यक्ष धातु होती है या ददाती धातु होती है, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। इसलिए जो भी और जिसको देता है उसमें चतुर्थी लगाएंगे। तो पिता पुत्र को देता है, तो पिता पुत्र के लिए कार्य कर रहा है, तो इसमें पुत्र में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो बना है यहाँ पे पिता पुत्राय फलम यच्छति। तो छात्रों, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी हमें अनुवाद प्रकरण का अध्ययन करना होता है। हमें कारक की पहचान आदि सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम अनुवाद कर सकते हैं। तो आप
धातु रूप का जब अध्ययन करोगे तो आप बहुत ही आसानी से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो यह थी छात्रों हमारी वर्कशीट, जो कि हमने एक्सरसाइज नंबर 4 और 5 की तैयार की है। तो आप भी अब इसे अपनी कॉपी में लिखें और इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।